नमस्कार दोस्तों, अभी हाल में जो बच्चों के साथ घटनाएं हुई हैं, मदरसे में बच्चियों का यौन शोषण हुआ और इस तरह की कई घटनाएं समाज में सामने आ रही हैं, इन पर बात हम करेंगे आज CWC की चेयरपर्सन श्रीमती प्रेमिका सिंह जी से। हमारे साथ बैठी हुई हैं मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मैम, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं मदरसे में बच्चों के साथ, घटना जो हुई है शर्मनाक घटना, एज ए CWC चेयरपर्सन आप इस पे आपने क्या एक्शन लिया, जैसे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, चाइल्ड केयर की, इसकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ, निश्चय रूप से ये बहुत शर्मनाक घटना थी। और जैसे ही CWC के संज्ञान में आई बात, जी CWC ने तुरंत सबसे पहले हमारी कमेटी की एक सम्मानित सदस्य को वहाँ भेजा गया, चाइल्ड लाइन को निर्देश जारी किया गया कि सारे बच्चों की जाकर के काउंसलिंग करें, और जो विवेचक थी विवेचक को भी निर्देश दिया गया कि आप जो है चाइल्ड लाइन के साथ मिल करके और प्रत्येक परिवार में जाकर के बच्चों की समस्या को सुने, काउंसलिंग करें, और इसका जो भी नियमानुसार कार्रवाई होता है उसको पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जी, जो विवेचक थी उनको जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है भी उसके अनुसार आप इसको कंप्लीट करें कार्रवाई जो भी है। जी जी। समाज में जो बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, इसकी वजह आप क्या पाती हैं एज ए चेयरपर्सन, क्योंकि आप बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं? देखिए, ये तो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, इसकी वजह में जाना बहुत जरूरी है, और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में आया। आज आवश्यकता है ये जानने के लिए कि ये हो क्यों रही है घटनाएं। कहीं ना कहीं जो ये घटनाएं हो रही हैं, हम सारे अपने जो जो मानवीय जिम्मेदारी है, जो संवेदना है, जो नैतिकता है, उससे कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित तो नहीं हो रहा है समाज? और हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अब रही बात बच्चों के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माता पिता की भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। अपने बच्चे को ध्यान दें, उनकी सुरक्षा का ध्यान दें, उनको अच्छी बातें बताएं, सावधानी बताएं, और हर प्रकार से देखें कि हमारा बच्चा जहाँ भी जा रहा है उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उस बच्चे के हित के लिए बाल हित में सोच रहे हैं या बाल विरुद्ध सोचने वाले लोग हैं। ये जरूर थोड़ा सा लगातार उनको टच में रहना चाहिए, ऐसे मन मस्तिष्क वाले लोगों से थोड़ा दूर रखना चाहिए बच्चों को। अब जैसे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि फोन पकड़ा देते हैं अपना, अब वो उसमें क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट तक पहुंच जा रहे हैं, इस पे नजर रखना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो उसका हल तो यही है कि जो गार्जियन है वो ज्यादा जागरूक हों। देखिए, सबसे पहले ना गार्जियन को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, फोन जो है ना, दुरुपयोग तो किसी भी चीज का ठीक नहीं है ना। जी बिल्कुल। अगर फोन है, बहुत चीजें काम में आ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और भी चीजें हो रही हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप टेक्नोलॉजी को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपके लिए, जीवन के लिए स्मार्ट है, और अगर उसका ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो जीवन बर्बाद भी करेगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले माता पिता, परिवार के बड़े जो हैं, उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, और मात्र मोबाइल के लिए ही क्यों, हर चीज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना होगा कि बच्चा भी वो चीज सीखे। जब माता पिता स्वयं मोबाइल में लगे रहेंगे, अनावश्यक चीजों पे अपना देखने में समय नष्ट करेंगे, तो बच्चे तो उस चीज को अपने गार्जियन के अनुसार ही उतारते हैं ना कोई चीज। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपको, मैंने अभी एक एग्जांपल देखा, मैंने एक सुनील छेत्री है फुटबॉल के खिलाड़ी, उनका इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे टाइम नहीं मिलता था, मुझसे कोई कहता कि यहाँ मेरे पास आ जाओ या कोई इस तरह के कुछ हम चलते हैं या कुछ भी व्हाटएवर। उन्होंने कहा कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, फिर उन्होंने स्वयं आत्मचिंतन किया भी टाइम कहाँ जा रहा है मेरा। वो कह रहे सोशल मीडिया पर जा रहा था, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, अब मेरे पास समय है। तो ये आपने जो बहुत बढ़िया बात की, एग्जाम्पल गार्जियंस को ही सेट करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा मैम, आदर्श कॉलोनी का जो बच्चा अभी हाल में जो गुम हो गया था बाहर, अभी 40 दिन के बाद मिला, जो लालू में मिला बच्चा, क्रिकेट के जुनून में घर से चला गया था जी, उसकी अभी क्रिकेट की एकेडमी की इच्छा पूरी उसकी कर दी गई है, और ये अभी हम लोग देख रहे थे मीडिया में भी ये चल रहा है, उसकी इस इच्छा पूर्ति जो कर दी गई उसको, इसको आप किस रूप में देखती हैं कि क्या यह
और बच्चों के सामने क्या एग्जाम्पल सेट करने वाला है, आप किस रूप में देखती हैं ये? देखिए बाल हित की दृष्टिकोण से सोचें यदि हम, तो इस तरह से इच्छा पूर्ति करना कहीं ना कहीं बच्चे के लिए या अन्य बच्चों के लिए गलत संदेश बन सकता है, क्योंकि बच्चे ये सोच सकते हैं कि हम ऐसी जिद करेंगे या ऐसे कदम उठाएंगे तो हमारे लिए वो हमारी जिद या हमारी आवश्यकता पूर्ति कर दी जाएगी। जी तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की चीज़ों का बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए, बच्चा तो बच्चा है, उसका बाल मन है, उसको सही दिशा में लाना और हमारे परिवार के हिसाब से, माता पिता के हिसाब से या बच्चे के भविष्य के लिए जो माता पिता समझते हैं उस दिशा में मोड़ना, ये परिवार की भूमिका तो है ही, लेकिन समाज में भी अगर इस तरह के लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बाल हित में वो अच्छा मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे हाँ, दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। क्योंकि ये ट्रेंड चल जाएगा, मुझे लगता है कि बिल्कुल, उस ट्रेंड सेट हो जाएगा। अन्य बच्चों के लिए ये गलत संदेश हो सकता है। हम ऐसा कोई कार्य नहीं समाज में होना चाहिए जिससे बच्चों को ये लगे कि ये चीज करने से ये ऐसा हमें मिल जी जाएगा, हमारी बात मान ली जाएगी। अभी जो हम मैंने आपका पहले इंटरव्यू लिया था उसमें भी हमारी यही बात हो रही थी, उसकी बच्चे की क्या मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग होनी चाहिए, और यही बात हम सोच रहे थे, वही बात सामने आ गई। मैम, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जी बच्चा 40 दिन कहाँ रहा इसके ऊपर बात नहीं हो रही है, तो जी क्या आपके पास ऐसी कोई गार्जियन तरफ से एप्लीकेशन आई भी उस परिवार के साथ, वह रहा बच्चा, उन्होंने किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसको रखा और शुरू में क्यों नहीं सौंप दिया, इस तरह की कोई उनके खिलाफ कार्रवाई या उनकी काउंसलिंग या उनसे कुछ पूछताछ का कोई आपके पास एप्लीकेशन आई? देखिए, जब बच्चा CWC के समक्ष प्रस्तुत हुआ और बच्चे की जो समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए और बच्चे को माता पिता को दिया गया, तो जी CWC ने ये कहा कि आप जो है, जिसने आपके बच्चे को, जब आपको पता चल गया है कि जो बच्चा आपको गुमराह करके उसको रखा गया इतने लंबे समय तक और बच्चा जो है किसी तरह से आ गया, पुलिस उसको ले आई और ये जो है अच्छी बात है कि बच्चा सुरक्षित है और आ गया, लेकिन अगर आप कंप्लेन कोई देंगे तो निश्चय रूप से CWC नियमानुसार कानूनी की कार्रवाई की निर्देश देगी और कार्रवाई होगी भी, लेकिन ये आपको तय करना है, माता पिता हैं आप, ये कौन लोग हैं, क्यों रखे बच्चे को, इतने दिन तक बच्चा क्यों उनके साथ जी रहा, जी 40 दिन बहुत माता होते पिता हैं। को छोड़ करके इतने दिन तक क्यों रहा, ये सारी चीजें जब आपको पता है तो आप CWC के संज्ञान में ला सकते हैं, ऐसा उनको बता दिया गया था। ओके, उनसे बात लेकिन करके अभी कोई तक कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं CWC आई के है, सामने कंप्लेन नहीं आई है माता पिता की तरफ से। जबकि इस केस को आपको इन्वॉल्व करते हुए एक प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था। फ्यूचर में भी किसी भी और बच्चे को भी रख सकता है परिवार, इस तरीके से अगर उसने इस बच्चे को रखा तो ये तो आगे एक सवालिया निशान तो है ही नहीं, समाज के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, ना, अगर हमारे समाज दृष्टिकोण से। में ऐसे लोग हैं कि कोई बच्चा मासूमियत के कारण कुछ अपनी सोच लेकर के किसी जी परिवार में चला जाता है और वो परिवार अगर उसको दुरुपयोग कर रहा है उसके मासूमियत का, वो अपने किसी कार्य के लिए उसका उपयोग कर रहा है, तो ये निश्चय ही समाज में ऐसे लोगों को चिन्हित होना चाहिए बिल्कुल जी, और कार्रवाई भी होना चाहिए। अभी जो घटनाएं हो रही हैं जैसे अभी पहले डिस्कस किया, इससे बचने के लिए, क्योंकि जी छोटे बच्चे हैं गार्जियंस के साथ तो रहते हैं, स्कूल में भी उनका एक पर्याप्त समय बीतता है, जी जी क्या स्कूल में कुछ नया ऐसा पाठ्यक्रम शुरू किया जाए या कोई ऐसी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की क्लासेस शुरू किए, भी कम से कम अवेयर तो हों भी उनके साथ क्या हो रहा है, या यूट्यूब या वट एवर सब चीज़ें उनको अवेयरनेस हो इस चीज़ की, वो बच सकें कम से कम, अपने घर में जाकर गार्जियंस को बता सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है ना, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि कहा गया ना, प्रथम पाठशाला परिवार होता है, माता पिता होते हैं, जी प्रथम शिक्षक प्रथम गुरु होते हैं, द्वितीय आपका बगल का अगल का समाज होता है, आस पड़ोस होता है, ठीक है, और उसके बाद से विद्यालय होते हैं। विद्यालय में बहुत लंबी अवधि तक बच्चा अपना समय गुजारता है, तो विद्यालय में भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे का, जैसे पहले आपने देखा होगा कि एक आवश्यक पाठ्यक्रम होता था, उस सारे पाठ्यक्रमों में सारे विषयों के साथ एक विषय नैतिक शिक्षा का होता हमने था, पढ़ा है जी, मोरल एजुकेशन का मॉरल होता था, एजुकेशन। तो जी
उस मोरल एजुकेशन को प्रॉपर पढ़ाया जाता था और उसमें सब लिखा होता था कि परिवार के साथ बच्चा कैसे रहेगा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, उसकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी क्या है, उसकी जो है अन्य बड़ों के साथ या भाई बहनों के साथ या पड़ोस के बच्चों के साथ क्या जिम्मेदारी है। मतलब नैतिक मूल्यों पे बहुत विस्तृत उस पर होती थी और उसमें पास होना बच्चे को आवश्यक होता था, मैंडेटरी होता था कि उस विषय में फेल नहीं होना है। ऐसा आपने पहले देखा होगा। जी, जी, जी। तो आज जरूरत है उसको पुनः उस विषय पे गंभीरता से उसका जो है प्रत्येक विद्यालय में वार्ता हो और उस पे जो है पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए और बच्चे को अच्छे से समझाया जाए। तो निश्चय रूप से बच्चा तो बाल मन है ना, उसको आप जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाएगा। एक तरफ माता पिता अच्छे दिशा में ढालें, दूसरी तरफ शिक्षक ढालें। जैसे कि हम कहते भी हैं कि बच्चे भविष्य के नींव हैं, देश के कर्णधार हैं, तो वो अगर पाठ्यक्रम अभी नहीं चल रहा तो वो चले और एक अच्छा नागरिक भी वहीं से निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बिल्कुल, देखिए किसी भी विषय में बच्चा कितना भी स्मार्ट हो जाए, कितने भी 100% मार्क्स लाए, लेकिन उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास नहीं किया जाएगा, उसके चरित्र का विकास नहीं किया जाएगा, तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। अभी हम कई बार देख ऐसी घटनाएं देख लेते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके के व्यवहार कर गुजरते हैं कि वो समाज में बिल्कुल भी लगता है कि हम असभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। तो बड़ा सवाल है समाज के ऊपर ये तो। हाँ, तो इसीलिए तो उदाहरण तो बड़ों को ही प्रस्तुत करना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ये सोचें कि अगर हम बाहर के बच्चे के लिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारे घर में भी तो बच्चे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चे की जिम्मेदारी, हम तो ये मिली जुली समाज, सामाजिक व्यवस्था मिली जुली होती है ना, एक दूसरे के लिए सब काम आते हैं। तो हमको अपने उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे और अगर हम अपने घर में उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाए तो हम समाज के लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और अपने कीमती विचार हमारे चैनल के थ्रू आपने रखे। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और नमस्कार सभी को आपके चैनल के माध्यम से।